एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो, I'm fine. They're सर fine and you? गुड, एक्सीलेंट, आई एम फाइन. ये आज का जो हमारा लेक्चर से वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस. आज हम डिस्कशंस करेंगे वो न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस के बारे में डिस्कशन के. न्यूटन्स के कितने लॉज हैं और उन लॉज में हमारे पास कौन सी, यानी डिस्कशन किस बारे में डिस्कशंस की गई थी. तो पहले अपने जो माइक है वो क्लोज कर दें, जैसे आप लोगों को आवाज़ सही तरह से समझ में आ जाए. ओके, हमारे पास फिजिक्स का जो लेक्चर्स जो हैं वो हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस, यानी चैप्टर नंबर आपके पास होगा वो चैप्टर नंबर 4, मोशन एंड फोर्स. यानी चैप्टर का नाम जो है आपके पास मोशन एंड फोर्स है. तो आज जो हम डिस्कशंस करेंगे वो डिस्कशंस करेंगे लॉ ऑफ द मोशंस, यानी मोशंस के कितने लॉज हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है. हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ द न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस. अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस ने क्या कहा था, उसके बारे में क्या डिस्कशंस की थी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं. आज जो हमारी डिस्कशंस होगी, जो लेक्चर्स हैं, वो इसके बारे में ही है. अब देखिए, आ जाए यहाँ पर. न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या कहा था, एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स रेस्ट और मोशन. यहाँ तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ द मोशन में. आपके पास यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन में आपको मैं दोबारा सुना सुना सकता हूँ. एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट्स ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस. अब कोई बॉडी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से दैट कहा था कि जो बॉडी है वो उसी हालत में ही रहेगी, यानी स्टेट ऑफ द रेस्ट. जब वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी. या यूनिफॉर्म मोशन का मकसद होता है यानी स्ट्रिक्ट लाइन मोशंस, यानी वो मोशंस जो कंटिन्यू एक ही रफ्तार के साथ चलती रहे, तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशंस इन स्ट्रिक्ट पाथ. यानी स्ट्रिक्ट पाथ में आपके पास मोशन करें. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस डिपेंड अपॉन द आपके पास स्टेट ऑफ द रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशन पर डिपेंड करता है. अब उसने क्या कहा था, उसके बारे में उसने डिस्कशंस क्या की थी हमारे बारे में. तो उसने कहा था, न्यूटन्स ने कहा था कि एवरी बॉडी, यानी जो बॉडी है वो इसी हालत में ही पड़ी रहेगी जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स उस पर अप्लाई होगा, तो वरना उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी. न्यूटन्स ने क्या कहा, न्यूटन्स ने कहा एवरी बॉडी इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट, वो स्टेट ऑफ द रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स यानी बाहर वाला फोर्स आप अप्लाई करेंगे तो उसमें चेंजिंग आ सकती है, वरना उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकती, चाहे वो कितने भी टाइम तक वहाँ पर पड़ी रहे. फॉर एग्जाम्पल उसने मिसाल दे दी, यहाँ पर देखें एक्सप्लेनेशन उसमें आपके पास है. वेन ए बॉडी एट द रेस्ट, यानी वो आपके पास रेस्ट में पड़ी है या आपके पास वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन में या यूनिफॉर्म मोशन में है आपके पास. तो न्यूटन्स ने क्या कहा, उसने फॉर एग्जांपल ये मोबाइल मैंने उठाई, अब ये मोबाइल मेरे यहाँ पर हाथ में है, ये यहाँ पर ही पड़ी रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. इसमें चेंजिंग तब आएगी जब कोई आउटसाइडर फोर्स आप इस पर अप्लाई करें. जब अप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग आएगी, चेंज द प्लेस कर सकता है, वरना ये अपनी कोई प्लेस चेंज नहीं कर सकता. तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ डिपेंड करता है, उसने यही कहा कि जो बॉडी जो ऑब्जेक्ट आपके पास जिस हालत में है वो उसी हालत में ही रहेगा जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी. तो उसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स में यहाँ पर थे आपके पास एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स रेस्ट और ठीक है स्टेट ऑफ द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशंस इन द स्ट्रिक्ट पाथ, यानी वो मोशन जो आपके पास है वो स्ट्रिक्ट पाथ में. क्योंकि ये जो वेलासिटी के बारे में हम मोशंस के बारे में डिस्कशंस करें, यानी ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास जो भी किया जाता है डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट में ही इंक्लूड होता है हमारे पास. तो हमारे पास ये चीज़ थी कि जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अमल नहीं करेगा तब तक उस पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी. तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने ये सीखा कि उसने कहा एवरी बॉडी कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट और या वो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक आपको आउटसाइडर फोर्सेस पर अप्लाई करेंगे तो उसमें चेंज आ सकती है, वरना ये भी आएगा. हां तूने ये दबाया रेड रेड, तूने कुछ दबाया. मैंने कहा तूने रेड रेड कुछ दबाया, मैंने रिस्टोर दबाया. अब देखें उसके बाद आपके पास इसकी एग्जांपल भी आपके पास है.
अब नेक्स्ट पॉइंट में देखें, व्हेन अ बॉडी एट द रेस्ट, किस तरीके से रेस्ट में, तो न्यूटन्स ने क्या किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्ट इज दैट व्हेन अ बॉडी इज स्टेशनरी। हाँ समझ याद है। कंटिन्यू इधर रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स इस पर अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग इसमें भी नहीं आएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट थी आपके पास, इज मूव विद सम एक्सीलरेशंस। बेटा अपने माइक बंद करें, क्लोज क्लोज योर माइक। ओके, अब देखिए सेकंड यानी बी पॉइंट्स में क्या है, व्हेन अ बॉडी मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मकसद होता है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी मूव विद द स्ट्रेट लाइन, कोई भी बॉडी मूव कर रही है या स्ट्रेट लाइन यानी स्ट्रेट पाथ पर, तो वो तब तक ही करती रहेगी जब तक उसमें कोई आप लोग आउटसाइडर फोर्स अप्लाई नहीं करें, अपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तब चेंजिंग आएगी जब तक जब आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे यानी उसकी स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो उसमें कोई चेंजिंग आएगी, वरना उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। वो जिस यूनिफॉर्म मोशन में है वो उसी यूनिफॉर्म मोशन में ही मूवमेंट यानी ट्रेवलिंग करती रहेगी यानी उसमें एक्सलेशन पैदा होगी, तब तक होगी जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो उसी हालत में ही रहेगी। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसके फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ए बॉडी, कोई बॉडी मैंने कहा था सपोज फॉर एग्जांपल आपने मोबाइल उठाई, मोबाइल आपने हाथ में रखी या टेबल पर रखी या बुक के ऊपर रखी, तो ये वहाँ इसी टाइम तक ही यहाँ पर रहेगी जब तक इस पर कोई आउटसाइडर फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये स्टेट ऑफ द रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी। ये मोशन में तब आएगी जब इस पर कोई आउटसाइडर फोर्स आप अप्लाई करें तो ये आपके पास मोशन में आ जाएगी। तो इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशंस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन सेज दैट एवरी बॉडी एट द स्टेट ऑफ द रेस्ट और द यूनिफॉर्म मोशंस, वो आपके पास यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी तब तक रहेंगी जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें किसी चीज की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तब चेंजिंग आए जब उस पर आप कोई फोर्स अप्लाई करें। ओके राइट, अब इसके बाद है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशंस। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशंस हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ द मोशंस। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशंस ने क्या कहा था, ये हमारे पास न्यूटन ने कहा किसी ऑब्जेक्ट पर किसी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें आपके पास एक्सेलरेशन पैदा होगी, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो एक्सेलरेशन पैदा होगी, अगर किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो उसमें कोई आपके पास अब एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगी। तो पहले इसमें हमें ये चीज़ें नोटिफिकेशन करनी कि क्या होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ सेज दैट फोर्स यानी एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी जो एक्सेलरेशन होती है वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मकसद है एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, एक चीज़ को कम करें तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाए। डायरेक्टली का मकसद होता है यानी एक दूसरे के साथ रिलेशन, किस चीज़ का रिलेशन है इन लोगों का। तो अब देखिए फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मकसद होता है यानी दोनों चीज़ों में इंक्रीमेंट आती जाती है। तो आपके पास ये चीज़ें थी न्यूटन से, और उसने कहा था न्यूटन से किला कि एक्सेलरेशन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास के साथ जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मकसद क्या हो गया, यानी अपोजिट, यानी आप एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे तो मास कम होगा, अगर मास ज़्यादा होगा तो उस चीज़ में एक्सेलरेशन कम पैदा होगी। यानी इसका मकसद हो गया कि एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेज, वो मासेज के साथ क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके बाद हमारे पास कंडीशंस में है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इसने हमारे पास एक्सप्लेनेशन थी, वही एक्सप्लेनेशन के फोर एक्सेलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस और फोर्सेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, यानी मास के साथ आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल्स होते हैं। सेकंड कंडीशन में यहाँ पर उसकी डेरिवेशन है, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करें ठीक है प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन, तो उस ऑब्जेक्ट पर क्या होगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मैंने कहा ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर किसी भी बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करें तो उस फोर्स में क्या होगी आपके पास एक्सेलरेशन पैदा होगी।
राइट, विच इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द फोर्स, यानी फोर्स के साथ वो क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। किस तरीके से, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सलेशन पैदा होगी, जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे आप लोग उतनी कम एक्सलेशन पैदा होगी। यानी इसका मकसद हो गया कि डायरेक्टली का मकसद है, यानी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा एक्सलेशन पैदा होगी आपके पास, एंड आप उसमें फोर्स आप कम यूज़ करेंगे तो आपके पास कम एक्सलेशन पैदा होगी। तो इसका मकसद हो गया कि एक्सलेशन आपके पास क्या है, वो आपके पास डायरेक्टली यानी प्रोपोर्शनल के शो करती है हमें आपके पास फोर्सेस के साथ। एंड अगर मास आपके पास ज़्यादा है तो उसी ऑब्जेक्ट में आपके पास एक्सलेशन कम पैदा होगी। तो कम का मकसद होता है यानी पैदा, अगर मास आप कम कर दें तो आपके पास एक्सलेशन जो होगी आपके पास वो ज़्यादा हो जाए। तो इसका मकसद हो गया यानी फोर एक्सलेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, यानी मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को यानी एक्सलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड द एक्सलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया, कंबाइन किया यानी साथ मिलाया। तो आपके पास इक्वेशंस बन गई, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स डिवाइडेड बाई एम। डिवाइड का मकसद होता है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली का मकसद होता है यानी वो चीज़ आपके पास प्रोपोर्शनल कंडीशंस में मौजूद हैं आपके पास। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हम क्या करें, हटा रहे हैं यहाँ से। जैसे इस साइन को हटाएंगे तो इक्वल की साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर के लगा हुआ है। के का मकसद होता है कांस्टेंट, यानी कोई भी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है वो आप लोग यहाँ पर पुट करें। तो आप राइट, अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू, यानी ए इज इक्वल के एफ डिवाइडेड बाय एम। अब ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, यानी ये वैल्यू आपके पास वन है, यानी के की वैल्यू आपने वन उठाई। अब वन यहाँ पर पुट करके देखें तो ए इज इक्वल वन मल्टीप्लीकेशन एफ डिवाइडेड बाय एम। वन की, क्योंकि वन इज द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, वो वन आइडेंटिटी है, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर पर कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। तो आपके पास क्या हो गया, ए इज इक्वल एफ डिवाइडेड बाय एम। और या इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं, एम देखिए यहाँ पर डिवाइड हो रहा है बराबर की इस साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, राइट। तो एफ इज इक्वल एम ए। अपना माइक बंद करें बेटा। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको थोड़ा रिपीट कर दूँ, सेकेंड इक्वेशन डिपेंड करती है आपके पास फोर्स मास एंड एक्सलेशन पर। एक्सलेशन का रिएक्शन फोर्स एंड मास के साथ किस तरीके का है, तो एक्सलेशन का जो रिएक्शन से फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, और आपके पास मासेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल से, यानी मास के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और फोर्स के साथ, यानी जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सलेशन पैदा होगी, जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सलेशन उतनी ही कम पैदा होगी। एंड मास जितना ज़्यादा होगा एक्सलेशन उतनी कम पैदा होगी, मास जितना कम होगा एक्सलेशन इतनी ही ज़्यादा पैदा होगी। तो ये थी आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशंस। उसके बाद हमारे पास डेरिवेशन थी। डेरिवेशन में ये था कि एक्सलेशन यानी जो हमें एक थ्योरी में यानी स्टेटमेंट में हमने पढ़ा, अब इसको हम मैथमेटिकल कंडीशन में लिख रहे हैं। मैथमेटिकल कंडीशन में यह चीज़ है कि आपके पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये जी साइन, हमें इस साइन को सब कौन से प्रोपोर्शनल में यानी प्रोपोर्शनल की साइन में इंडिकेट करवाया है। तो आपके पास क्या हो गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर दिया तो ये इक्वेशंस आपके पास बन गई एफ डिवाइडेड बाय एम। अब के आपके पास यानी प्रोपोर्शनल की साइन को जब हटाते हैं, बराबर की साइन लगाते हैं, तो उसके साथ कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, यानी कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट क्या होती है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू होती है वन। तो वन रखने से कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वन इज़ द मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी होती है, तो इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं पड़ता। तो अब देखेंगे एम आपके पास यहाँ डिवाइड में, एम को हम बराबर के इस साइड लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में इंक्लूड। तो ये चीज़ आपके पास हो गई। अब आपके पास ये कम्प्लीटली कंटिन्यू हो गए, ये थी आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशंस। यस स्टूडेंट्स, इनमें एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजिंग? सर यस सर, आपने ए डायरेक्शन वन डिवाइडेड एम क्यों लिखा है? हाँ गुड। अब देखिए एम एक्सलेशन क्या थी, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड मास के साथ क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब कोई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसको डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं, यानी वन अपॉन एम। यानी कोई भी चीज़ आपके पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपके पास आएगी तो उसको आप कौन मैथमेटिकल कंडीशन में कैसे लिखेंगे, तो
उसको वन बाय एम, तो वन बाय एम का मकसद होता है ये आपके पास इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। यस तो वन ही आता है सर इसमें, वन लिखने से ये डिवाइड में, देखें एफ के साथ वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, एफ ही आएगा ना, वन मल्टीप्लाई बाय एफ इज इक्वल एफ डिवाइडेड बाय एम, राइट सर? यस सर, मुकद्दस और अलीशा की ना लिंक ऑन नहीं हो रही है, मैंने इनको सेंड कर दिया, जरा दोबारा। जी सर। यस एनी क्वेश्चंस, इसमें कोई क्वेश्चंस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई पूछने लगे और कंफ्यूज ना करें? नो सर। गुड, ठीक है, उसके बाद है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की थर्ड इक्वेशन हमारे पास, अब देखें थर्ड इक्वेशन मोशन की, वो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर वक्त यूज करते हैं, न्यूटन के थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ द मोशन क्या है हमारे पास, तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इन इक्वल टू द ऑपोजिट रिएक्शंस। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन थर्ड लॉ डिपेंड करता है, उसने कहा तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इन इक्वल टू द ऑपोजिट रिएक्शंस, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर आप रिएक्शन करें उसका रिएक्शन जवाब आपके पास लाजमी आएगा। तो इसको एक्सप्लेन में क्या है, आपके पास एक्सप्लेनेशंस में देखें, अगर इनकी न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस वी हैव इफ एक्शंस, यानी इफ यानी फोर्स, एक्शंस, एक्शन का क्या होता है रिएक्शन से ही होता है, रिएक्शन मतलब अपोजिट, किसी चीज पर आप फोर्स अप्लाई करें वहां से भी आपके पास फोर्स अप्लाई हो जाए, तो ये चीज आपके पास क्या होता है एक्शन का, आपके पास रिएक्शंस, तो इसमें आपके पास एक पॉजिटिव साइन होती है एक नेगेटिव, तो ये एक दूसरे के साथ क्या होता है रिएक्शन, जैसे सपोज मैं किसी बॉडी पर 5 न्यूटन्स फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और वहां से भी मुझे अप्लाई यानी रिप्लाई में क्या आ जाए 5 माइनस 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई आ जाए, तो ये क्या होता है एक्शन का रिएक्शंस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फॉर सपोज मैंने एक बॉल उठाया, अब बॉल को जितने फोर्स के साथ मैं दीवार में लगाऊंगा उसी फोर्स के साथ वो क्या आएगा वापस आ जाएगा, तो इसका मकसद क्या हो गया, किसी भी यानी हर एक ऑब्जेक्ट यानी रिएक्शन का रिएक्शंस होता है, एक्शन का रिएक्शंस मौजूद होता है, तो न्यूटन तल्ला ने क्या कहा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन डिपेंड एक्शन एंड रिएक्शन, यानी किसी भी चीज़ पर एक्शन करें तो उसका रिएक्शन आपके पास आएगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको मिसाल दे दूँ मोबाइल का, मैंने मोबाइल आपने अपने हाथ पे या टेबल पर रखी हुई, अब इस पर दो किस्म के फोर्स अप्लाई, एक अपवर्ड फोर्स और दूसरा आपके पास डाउनवर्ड फोर्स, राइट, अपवर्ड फोर्स का मकसद होता है ऊपर वाला फोर्स और डाउनवर्ड का फोर्स का मकसद होता है नीचे वाला फोर्स, तो इसी ऑब्जेक्ट पर कितने किस्म के फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, 2 किस्म के फोर्स, एक रिएक्शन अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स, तो इसी मकसद कहने का मकसद ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ने कि उसने कहा जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है यानी फोर्स उसका एक्शन का रिएक्शन होता ही है, तो यहाँ पर आपके पास देखें इफ एक्शंस इज इक्वल टू माइनस एफ रिएक्शंस, यानी एक्शन का क्या हो गया आपके पास रिएक्शंस आपके पास रिलेटेड हो गया, ठीक है, अब देखें सपोज आपने कोई बॉडी उठाई उसको जितने फोर्स के साथ लगाएंगे उसी फोर्स के साथ मूवमेंट करता, आपने देखा मैं आपको एक मिसाल और दे दूं, अपने कोई बॉडी ऐसा कोई बॉल या कोई ऐसी चीज उठाएं, ठीक है, उस पर आप कितना भी फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, जिस फोर्स के साथ उसको आप लगाएंगे उसी फोर्स के साथ क्या आएगा वो वापस ही आएगा, तो इसका मकसद क्या हो गया आपके पास, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो उसमें वही फोर्स आपके पास ब्रेकिंग में आएगा, तो वो फोर्स होता है आपके पास न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द मोशंस, ओके राइट, अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ने क्या कहा था, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शंस, यानी अपोजिट रिएक्शन के बराबर होता है, यस एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो सर। समझ में आया? हां सर। यस सर। कितनी परसेंट आपने? यस सर। सर माइनस साइन क्यों लिखी नेगेटिव? गुड, रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन का मकसद क्या होगा, यानी अपोजिट फोर्स, तो आप अपोजिट फोर्स को हम माइनस में शो करेंगे, यानी अगर मैंने कहा मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया ये हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पर रिप्लाई में मुझे क्या मिला सेकंड फोर्स मिला, तो वो फोर्स हमारे पास क्या होगा नेगेटिव फोर्स होगा, यानी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन का मकसद होता है माइनस, यानी प्लस की साइन की जगह पर हम माइनस की साइन यूज करते हैं, यस ओके सर। कोई क्वेश्चंस? न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा।
नो सर। हाँ एक और बार समझा दे, मेरी लिंक अभी ऑन हुई है। कौन सा? यस सर, अब अभी थोड़ा सा देख रहे सर। जी जी बोले। जी बेटा बोले। सर कह रहे हैं थोड़ा सा फीडबैक दे रहे हैं, लोग अभी भी ज्वाइन हुए हैं। राइट, अब देखिए न्यूट्रंस, अब देखिए न्यूट्रंस फर्स्ट ला, न्यूट्रन फर्स्ट ला ने क्या था, उसने कहा था न्यूट्रन फर्स्ट ला, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू द स्टेट ऑफ द रेस्ट, कोई बॉडी वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, उस बॉडी पर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ देखें स्टेटमेंट में डेफिनेशन लिखी हुई है, एवरी बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ द रेस्ट या और यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अब तो न्यूटन्स ने क्या कहा, उसने कहा कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है वो उसी हालत में ही रहेगा, स्टेट ऑफ द रेस्ट में ही रहेगा, तब तक रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स आप उस पर अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उस पर कोई किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। तो उसने फॉर एग्जांपल उसने क्या किया, मोबाइल उठाया या बुक उठाया, बुक ऑन द टेबल, आपने देखा है बुक टेबल पर ही पड़ा रहता है, वो उसी टाइम तक ही पड़ा रहेगा जब तक आप जाके उनको उठाएंगे नहीं, तो उस बुक में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो न्यूटन्स ने कहा था वो उसी हालत में ही पड़ी रहेगा बॉडी ऑब्जेक्ट जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, कोई किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद उसने हमें सम पॉइंट्स बताए थे, वेन ए बॉडी, बॉडी आपके पास रेस्ट में, जैसे मैंने कहा बुक ऑन द टेबल, वो टेबल पर ही पड़ा है, तब तक पड़ा रहेगा जब तक कोई आउटसाइडर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसमें किसी चीज में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सेकंड पॉइंट थी, ए बॉडी इज मूव विद द यूनिफॉर्म इलास्टिक। ठीक है, यूनिफॉर्म इलास्टिक का मकसद होता है यानी स्ट्रेट पाथ पे कोई एक्सीलरेशन मूव करे, कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, वो चलती ही रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक उसको आप लोग फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक उसमें कोई किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा था, न्यूटन सेकंड लॉ से दैट एक्सीलरेशन फोर्स एंड मासेस के यानी रिलेटेड था इसमें सेकंड लॉज में। अब इसने न्यूटन सेकंड लॉ ने क्या कहा था, न्यूटन सेकंड लॉ से दैट एक्सीलरेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, यानी फोर्स जो एक्सीलरेशन के पास वो फोर्स के साथ डायरेक्टली, यानी फोर्स आप बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ती जाएगी, अगर फोर्स कम अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन भी आपके पास कम आपके पास क्रिएटेड होगी यानी पैदा होगी। और एक्सेलरेशन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, वो मासेस के साथ क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, किस तरीके से, अगर एक्सेलरेशन मास ज्यादा होगा तो उसी मास में एक्सेलरेशन कम पैदा होगी, अगर उसी बॉडी का मास आप कम होगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी। तो इसको हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लेके लिखा हुआ है इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एक्सेलरेशन द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, यानी मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल से हो गया आपके पास। एंड कॉम्बिनेशन कंबाइंड इक्वेशन नंबर वन एंड टू, दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद आपके पास यहाँ पर ए इज इक्वल टू एफ एम, Fm का मकसद होता है फोर्स के साथ डायरेक्टली एंड मासेस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर देखिए आपने k भी लगाया हुआ है, k का मकसद क्या होता है, k का मकसद है यानी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो k की वैल्यू आपने क्या होता है यहाँ पर हमने क्या उठाया वन, वन यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लिकेशन में आपके पास सेम आ जाएगा। m आपके पास डिवाइड में है बराबर की इस साइड लेकर जाएंगे तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेशन इंक्लूड होगी, तो आपके पास फोर्स इज इक्वल एम ए के बराबर हो गया। तो ये थी आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास कौन सी है, ठीक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपके पास ये थर्ड इक्वेशन लॉ ऑफ द मोशन आपके पास किस पर चीज पर डिपेंड करती है, एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्सप्लेनेशंस में देखें यहाँ पर इफ एक्शंस यानी फोर्स अप्लाई अपोजिट में आपके पास रिएक्शंस में फोर्स वापस आएगा यानी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है अपोजिट। रिजवान अपना माइक बंद करें बेटा, रिजवान अपना माइक बंद करें। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या हो गया एक्शन अपोजिट रिएक्शन, रिएक्शन आपके पास अपोजिट में आ गया, तो इसको आप इस तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं कि एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल टू द अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट रिएक्शन में वो चीज़ आपके पास इंक्लूड हो जाएगा।
यस एनी क्वेश्चंस सर? जी जी बेटा बताएं सर, आपने कहा था ग्रुप पे काम भेजूंगा सर, ग्रुप पे काम नहीं आ रहा। हाँ जी आ जाएगा बेटा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चंस इस टॉपिक्स में? नो नो। राइट, तो ये थी आपके पास न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस। देयर आर थ्री लॉ ऑफ द मोशन जो आज हमने डिस्कशंस की, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशंस थे आपके पास। ठीक है, ये हमारे पास लॉज थे जो हमने, जिसके बारे में हमने डिस्कशंस की। अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ में नहीं है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशंस भी हम कर सकते हैं। बाकी आपके पास नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर्स होगा वो अच्छा, उसके बाद हमारा जो फिजिक्स का, राइट एनी क्वेश्चंस? नो नो सर। सर नो सर। आप लोगों ने यहाँ पर कितनी परसेंट आप लोगों ने ये लेक्चर समझा है? क्या बोले सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे काम है? अम्मी अब आपको बताएंगे, किसी को भी नहीं बताना। ये देखो